उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय पौड़ी दौरे पर पौड़ी पहुंचे और मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर कडोलिया मैदान में पहुंचकर मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क 3-3 सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के लिए 40 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं का लोकार्पण और 53 करोड़ की लागत से बनने वाली 9 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। यहां जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ प्रदेश के गरीब परिवारों को मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आज इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में केंद्र व प्रदेश में भ्रष्टाचार घोटाला चरम पर था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इन पर रोक लगाने का काम किया। सरकार नारी शक्ति को प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिनका लाभ मातृशक्ति को मिल रहा है। भर्ती घोटाले को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उनके द्वारा हिंदुस्तान का नकल विरोधी कानून लाया गया है। कहा कि आज आयोजित पटवारी परीक्षा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न हुई है। ये हमारा संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था कि 2022 के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम जो हमारे अंत्योदय के 1,76,000 परिवार हैं, 1,76,000 परिवार हैं, उन सभी परिवारों को साल के अंदर 3 सिलेंडर रिफिल करके, 3 सिलेंडर भर के हमारी सरकार देगी। और से और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि अंत्योदय परिवार को निःशुल्क गैस सिलेंडर साल में 3 बार रिफिल कराने का जो संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यह बात 2022 में अंकन है। आज उसको हम यहाँ पे फलीभूत होते हुए देखते हैं।